जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने द्वितीय सत्र का सारा अभ्यास कर है वो पूर्ण कर लिया, मगर आज हम रिवीजन करें। आज हम कक्षा 7 में हिंदी और एकम 5 धरती की शान का स्वाध्याय है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप सब ध्यान से यह पढ़ना और बाद में इसे अपनी रफ बुक में लिखना है। तुम्हें जो भी बोलो वो ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। एकम 5 धरती की शान पेज नंबर 30 उसमें स्वाध्याय दिया गया है और प्रश्न 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। हमने काव्य में पढ़ाई था कि धरती की शान में मनुष्य है वो क्या कर सकता है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, मनुष्य पहाड़ पर्वत को तोड़ सकता है, वह नदियों का प्रवाह बदल सकता है, मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, धरती को आकाश से जोड़ सकता है। मनुष्य है वो ये सब कर सकता है। अब दूसरा सवाल है, मनुष्य युग का या आह्वान कैसे कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य अपनी बुद्धि और शक्ति से युग का आह्वान कर सकता है। उसके बाद तीसरा सवाल है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो पापों का प्रलय रुक सकता है और पशुता दूर हो सकती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, उचित जोड़ मिलाइए। बच्चों, आपको काव्य पंक्ति में दिया है, उसके आधार पर यह उचित जोड़ है वो मिलाना है। अ और ब दिया गया है, मनुष्य की आत्मा में। तो काव्य की पंक्ति है वो यहाँ पूर्ण करनी है। स्वयं भगवान है, यानी कि एक के सामने क्या आएगा, 3। दूसरा है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, यानी कि 5 नंबर है वो आएगा। तीसरा है, मनुष्य की रोटी में तांडव का ताल है, यानी कि 6 नंबर है वो इसके सामने आएगा। चौथा है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, यानी कि पहला नंबर है वो इसके सामने आएगा। और पांचवा है, मनुष्य की छाती में महाभाव है, यानी कि 2 नंबर है यह इसके सामने आएगा। बहुत ही सरल है यह योग्य जोड़। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही कीजिए। उसमें पहला है, मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले या जाने ले। तो इसका उत्तर आएगा थाम ले। तो थाम ले के कोष्टक है, उसमें सही की निशानी करनी है। उसके बाद दूसरा है, मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे, अंबर से जोड़ दे। तो इसके सामने आएगा अंबर से जोड़ दे, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। तीसरा, मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे या दुनिया बदल दे। तो इसका उत्तर आएगा अमृत निचोड़ दे, यानी कि मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको एक उदाहरण है वो दिया गया है, उसमें लिखा है धरती तो आकाश, पक्षी और उसका वाक्य बनाया है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उसके बाद आपको दिया गया है, पहला है अमृत, अमृत का होगा जहर, यह उसका विरोधार्थी शब्द है। तो बच्चों, अब हम वाक्य है वो बनाने वाले हैं। हमें वाक्य बनाने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, तो शंकर भगवान जहर पी गए थे। उसके बाद है वरदान, तो होगा शाह। तो इसका वाक्य को हम बनाने वाले हैं, गुरु ने उसे शाप
दिया। बच्चों हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं कि वह क्रोध में आ जाते हैं तो शाप दे देते हैं गुस्से में। और तीसरा है ऊंचा, तो उसका होगा नीचा। बच्चों हमें कभी नीचा नहीं सोचना चाहिए, हमारी सोच है वो हमेशा ऊंची होनी चाहिए। अब चौथा है पाप और पुण्य। पाप का विलोम शब्द यानी शब्द होगा पुण्य। तो अब हम पुण्य से वाक्य बनाएंगे। राजा ने गरीबों को अन्य वस्त्र देकर पुण्य किया, उसके बाद है जीवन तो मृत्यु। तो मृत्यु पर से हम वाक्य बनाएंगे कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी के दिन हुई थी। अब प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्द को शब्द कोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्द कोश से जानिए और लिखिए। तो बच्चों पहले हम शब्द कोश में रखेंगे, तो इसमें तूफान, वरदान, नयन, क्षति, आईना और जंगल। तो इसमें पहला आएगा आईना, दूसरा आएगा क्षति, उसके बाद शो आता है। वो मैंने पहले ही शब्द कोश के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें आपको जानकारी दी थी। क्षति, उसके बाद तीसरा आएगा झंगा, जो के बाद ज आएगा। अब चौथा तूफान, और पांचवा है नयन, छठा है वरदान, और में सातवां है वो आएगा शीश। बट आप हमें इसके शब्दकोश में से अर्थ पहला है आईना, तो आईना आएगा दर्पण या आरसी। उसके बाद दूसरा है क्षति, तो क्षति यानी हानि या नुकसान। उसके बाद झंकार यानी धन की आवाज। चौथा है तूफान, तूफान यानी आफत या संधावार। के बाद आएगा नयन, जो आप सब जानते हैं उसका होगा आ। उसके बाद है वरदान, वरदान यानी वर, और अंत में है शीश यानी मस्तक। तो बच्चों यह एकम पांच का स्वाध्याय है और यहाँ पूर्ण होता है। आपको यह स्वाध्याय है उसका वीडियो एक बार ध्यान से देखना है, उसके बाद इसका उत्तर के साथ स्वाध्याय है उसका जवाब लिखना है और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। आपने यह वीडियो है वह पूर्ण देखा, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।